अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सीनियर ऑडिटर BPS 16 2017 का पेपर जो FPSC ने सीनियर ऑडिटर BPS 16 का लिया था। दोस्तों अगर आप जॉब से रिलेटेड जॉब्स के टेस्ट, जॉब्स के पास पेपर और जॉब्स के सिलेबस और जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट के बारे में, यानी जॉब से जॉब की हर तरह की न्यूज़, हर तरह की चीज़ें, हर तरह का मटेरियल अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हम रोज़ाना हम वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं और उस वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फ़ोन पर मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे पास ये पेपर अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन केस नंबर F4/172/2017 सीनियर ऑडिटर BPS 16, ये पेपर हमारे हाथ दोस्तों लगा है, लेकिन ये हमारी पिक्चर्स की फॉर्म में लगा है और पिक्चर्स की फॉर्म में ये थोड़ा आपके पास धुंधला नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम कोशिश करके आपको ये सही पढ़ के बताएंगे और इसके आंसर भी जो हमने निकाले हैं वो आपको यहाँ पे बताते जाएंगे। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों हमारे पास सीनियर ऑडिटर का जो पेपर होगा आपके पास, उसका पहला पार्ट आपके पास इंग्लिश का होगा जिसके अंदर 20 MCQs होंगे। तो पहला स्टार्ट कर लेते हैं। 1 MCQ से दोस्तों, फंजाई डैश नॉट इंक्लूडेड अमंग द प्लांट किंगडम। इसके ऑप्शन है दोस्तों इज, आर, विल बी, टू बी। आप बताएं कौन सा हो सकता है। हम आपको बताते हैं कि इसका सही ऑप्शन है ए, इज, फंजाई इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द प्लांट किंगडम। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, नो सूनर डिड ही गो इन डैश ही कैम आउट। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसका है बी, आफ्टर, नो सूनर डिड ही गो इन आफ्टर ही केम आउट। उसके बाद तीसरा है हमारे पास दोस्तों, यू शुड ट्राई टू डैश योर एक्सपेंडिचर। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास 3 का A, कट डाउन, यू शुड ट्राई टू कट डाउन योर एक्सपेंडिचर। चौथा सवाल है हमारे पास, ही हैज़ पुट डैश द मीटिंग। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास बी, ऑफ, ही हैज़ पुट ऑफ द मीटिंग। उसके बाद पांचवा है दोस्तों, डैश अ लॉन्ग टाइम दिस सिटी हैज़ बीन प्रोस्पेरस। उसके बाद इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास ए, सिंस अ लॉन्ग टाइम दिस सिटी हैज़ बीन प्रोस्पेरस। सिक्स सवाल है हमारे पास, द मदर डैश द चाइल्ड्स टीयर्स, द मदर डैश, इसके अंदर दोस्तों सही ऑप्शन है हमारे पास सी, वाइप्ड, द मदर वाइप्ड द चाइल्ड्स टीयर। उसके बाद सेवन है दोस्तों, अ गुड टीचर डैश हिज स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, इंस्पायर्स, अ गुड टीचर इंस्पायर्स हिज स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। नाइन है हमारे पास, ही कंसोल्ड द डैश मदर एज बेस्ट एज ही कुड। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, अनफॉर्चुनेट, ही कंसोल्ड द अनफॉर्चुनेट मदर एज बेस्ट एज ही कुड। उसके बाद टेन है दोस्तों, हिज डैश ओवर द प्रॉपर्टी बी प्रॉपर्टी इज लेजिटिमेट। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, क्लेम, ही हिज क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी इज लेजिटिमेट। 11वें सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेते हैं हम। व्हाट इज़ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो अंडरलाइन चीज़ होगी वो हमें बतानी होगी कि वो क्या होगी। 11वां, द आवर इन प्रिपेयर्ड लेसन हैज़ अराइव्ड, हैज़ अराइव्ड, अब क्या है यहाँ पे। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, प्रीडिकेट यहाँ पे शो हो रहा है। 12वां, ही रैन वेरी फास्ट, अब फास्ट दोस्तों क्या है ये हमें भी पता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों एडवर्ब, फास्ट क्या है हमारे पास इस अंडरलाइन सेंटेंस के अंदर, एडवर्ब। उसके बाद शी हैज़ गॉन टू बाय अ कंप्यूटर, टू बाय अ कंप्यूटर, ये क्या है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है ए, यहाँ पे ये है दोस्तों नाउन फ्रेज। 14, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इसका सही ऑप्शन है ए, पार्टिसिपल। उसके बाद 15 है, विनेजर टेस्ट्स सोर, टेस्ट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास ए, लिंकिंग वर्ब। 16, आई रिमेंबर टू रिटर्न द वर्क्स, रिटर्न द बुक्स, टू रिटर्न यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, टू रिटर्न यहाँ पे हमारे पास डी, इन्फिनिटिव है।
उसके बाद हमारे पास 17 है, देयर आर नॉट इनफ स्पूंस, देयर आर नॉट इनफ स्पूंस, इनफ यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारे पास, इसका सही ऑप्शन है बी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। 18, बर्ड्स आर फ्लाई एंड फिश स्विम, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 18 का हमारे पास डी, कंजक्शन। दोस्तों ये क्या है, कंजक्शन। उसके बाद हमारे पास 19 है, ही डज हिज वर्क केयरफुली, ये क्या है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है हमारे पास 19 का डी, इंटरजंक्शन। 20 हमारे पास जो सवाल है, हश, डोंट मेक अ नॉइस, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हुई है यहाँ पे हमारे पास, ये 20 जो MCQs, इसका सही आंसर है डी, इंटरजंक्शन। उसके बाद हमारे पास ये Part-2 है जो कि प्रोफेशनल टेस्ट है, इसके अंदर सीनियर ऑडिटर का जो सिलेबस है उसके अंदर जो कोर सब्जेक्ट्स है जो सीनियर ऑडिटर के, वहाँ से ये सारे 80 MCQs आपके ये चलेंगे दोस्तों तो 20 MCQs हमारे इंग्लिश पार्ट के ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास Part-2 स्टार्ट है जो कि प्रोफेशनल टेस्ट कहलाता है, और ये टेस्ट, ये जो 80 MCQs हैं Part-2 के, ये हमारे पास जो FPSC ने जो सिलेबस दिया था उसके अंदर जो आपके पास टॉपिक थे वहाँ से ये, यानी ये अकाउंटिंग के कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से ये आपका 80 MCQs होंगे। 21 देख लेते हैं दोस्तों, विच सिस्टम प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन बजटिंग कॉस्ट कंट्रोल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एंड मेक बाय डिसीजन, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास डी, नन ऑफ दीज। उसके बाद 22 है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ द एंट्रीज मेड इन द लेजर इज बाय, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास बी, अकाउंट नंबर। उसके बाद 23 है हमारे पास, इन जर्नल अ स्पेशल जर्नल वुड नॉट बी यूज्ड टू रिकॉर्ड, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास सी, डेप्रिसिएशन। उसके बाद 24 है हमारे पास, यहाँ पे MCQs है हमारे पास, सब्सिडरी लेजर्स आर यूज्ड इन मैनुअल अकाउंटिंग एनवायरनमेंट्स, व्हाट फाइल इज कंपेरेबल टू अ सब्सिडरी लेजर इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंटल, दोस्तों इसका हम एनवायरनमेंट, दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारे पास मौजूद है डी, मास्टर फाइल। ना हमारे पास आर्काइव फाइल है, ना हमारे पास रेफरेंस फाइल है, ना हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल है, ये हमारे पास डी ऑप्शन है, मास्टर फाइल। उसके बाद हमारे पास 25 है हमारे पास, 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्काइव फाइल, इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर है हमारे पास डी, करेक्ट है, अ फाइल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल दैट हैव बीन रिटन ऑफ। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 25 MCQs डिस्कस कर लिए आपके 2017 के सीनियर ऑडिटर BPSC 16 के पेपर के। अब अगर मज़ीद इसके अंदर डिस्कस करेंगे तो हमारी ये वीडियो बड़ी होती जाएगी और जो कि हमारे साथ मसाइल जो है वो क्रिएट करेगी। अब यहाँ पे इसको एंड करते हैं दोस्तों, आने वाली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद इसके अंदर 25 MCQs दूसरे पार्ट के अंदर, इसको हम बना देते हैं Part-1, और दूसरे पार्ट के अंदर हम 25 डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम इस पेपर को जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अगर आपका कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं या हमसे कोई गलती हो गई है तो कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं, और मज़ीद सवालों के जवाब आप जो है वो इस कमेंट के अंदर दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है सीनियर ऑडिटर के लिए उनकी हेल्प हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।